Thank you. आए पतंजलि की पोस्ट आहार दलिया काफी अच्छी मल्टीग्रेन दलिया है। इसमें मूंग दाल भी है, दलिया भी है, हेल्दी है बहुत ज्यादा। ऑल्सो इसमें बहुत सारा अजवाइन भी है, तो हम डायरेक्टली इसे बेबी को फीड नहीं कर सकते हैं। एनीवेज मैंने इसे क्लीन करके, रोस्ट करके और इसका पाउडर बना लिया है, तो जब भी मैं इसे कुक करूंगी तो इसमें ओट्स और रवा या फिर राइस जो भी और होता है मैं ऐड करके कुक करूंगी और देन बेबी को ऑफर करूंगी, तो काफी ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। इसे खेलना बहुत अच्छा लगता है इसलिए उसको मजा आ रहा है। बस अभी अभी चिकू को फीड करके सुलाया है और ये वाला जो बम्प आया था ये ऑलमोस्ट ठीक हो गया। कान वाला भी ठीक हो गया, उसने खुद से स्क्रैच कर लिया है और कुछ खाया नहीं पिया नहीं दो दिन, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन बहुत हुआ, तो लिप्स भी काफ़ी ड्राई दिख रहे हैं अभी। और हाथ वाला तो क्या ही बताऊँ, छोड़ दो उस चीज़ के बारे में, ठीक होगा, टाइम लगेगा। सो जब वो सोती है तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, जस्ट सोई है बेबी मेरी। I'm drawing something. Coloring something. I am coloring something. It's my drawing. I'm coloring my drawing. Very nice. ये है प्लेन ओट्स, कुछ भी नहीं मिलाया है इसमें, और ये है फॉर्मूला मिल्क, ये साथ में आज लंच में दे रहे हैं। चीकू पहले से थोड़ा सा बेटर फील कर रही है एंड मेरे सर पे पिंपल आ चुका है, टेंशन जो भी। सो उसके जो हाथ पे बड़े बड़े से ब्लिस्टर्स आए हुए थे, फ्लूड फिल्ड ब्लिस्टर्स थे, वो अभी फ्लूड ऑलमोस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो कुछ कुछ ड्राइनेस आई है और स्किन पील हुई थी, तो फिर वहाँ पर लगाने के लिए ऑइंटमेंट दिया गया, तो वो हम कर रहे हैं। अब एकदम से तो नहीं होगा क्योंकि बेबी है, तो रुकेगी नहीं, वो यहाँ वहाँ टच करती और फिर सब वही हो जाता है। सो पहले से बेटर है, काफ़ी बेटर कंडीशन है। और मैं यही बोलूँगी कि मैंने होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करी थी, एलोपैथी मैंने एक दिन दी, फिर दी ही नहीं क्योंकि मेरा मन ही नहीं हुआ देने का, लेके तो आ गई थी मैं। डॉक्टर ने पहले प्रिस्क्राइब नहीं की, फिर सेकेंड डे जब हम गए तब उन्होंने ओरल मेडिसिन दी उसे, देन होम्योपैथी हम दिए फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और अभी भी दिया, तो वो चल रहा है। मैं यहाँ वीडियो में कहीं मेंशन कर दूंगी। और ओ गॉड, बहुत डिफिकल्ट रही चीज़ें। अभी ये पूरा एक वीक चला जाएगा उसे कम्प्लीटली हील होके ठीक होने में, लेकिन या घर की डीप क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल होता ही रहता, करते रहते हैं हम, लेकिन अब इस तरीके से इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इतना केयर करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हुई है, तभी तो ये हुआ है। सो मैं अभी आपको क्या दिखा रही थी कि मैंने ना अभी नायका से शॉपिंग करी थी और पार्सल तो आ गया था, लेकिन फिर अचानक ये चीकू का ये सब कंडीशन हुआ तो मैं उसमें नहीं दिखा पाई। एंड मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड किया था क्योंकि फेशियल हेयर आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डार्क थे, अभी देखो ये नहीं है क्योंकि मैंने
स्किन पर वैक्स किया था पहली बार, है ना। तो मैंने ट्राई किया ये हिप हॉप का फेशियल वैक्स स्ट्रिप्स हैं, ये मैंने ट्राई किया था और ये काफ़ी अच्छा रहा। वैसे मैं वीट का पहले लेने वाली थी लेकिन मैंने कहा चलो इसे ट्राई करते देखते कि क्या है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा रहा। सीरियसली गाइस बहुत अच्छा रहा। मैंने मेरे व्यूअर के सजेशन पर, रिकमेंडेशन पर ही मैंने फेशियल वैक्स पहली बार ट्राई किया। ओह माय गॉड बहुत अच्छा था। और ये मैंने बहुत सारे स्टफ भी मंगाए हैं नायका से जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे। फिलहाल अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं दिखाती हूँ आगे मैंने क्या क्या सामान लिया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अमेजिंग चीज़ें मुझे मिल गई हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने लिया है सिटाफिल का ये जेंटल स्किन क्लींजर। ये क्लींजर काफ़ी अमेजिंग है और क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी अजीब सी हो गई, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गई है, तो फिर ठीक है मैंने बड़ा पैक ले लिया कि चलो भाई चलता ही रहेगा। सो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ और कोई और फेस वॉश नहीं यूज़ कर रही हूँ अभी। तो चलो अब मैं जाती हूँ और अनिका को कुछ दे देती हूँ। शाम का टाइम हो गया, स्नैक्स का टाइम हो गया है। आज नन्नू यानी अनिका के डिमांड पे बन रहे हैं समोसे और इधर बन रहा है चीकू की खिचड़ी, खाना बन रहा है और इधर मैंने चाय चढ़ा दी है। सफल आने वाले होंगे बस ऑफिस से, तो बस चाय नाश्ता होगा और चीकू का तो डिनर का टाइम ही हो जाता है। ये बन गए समोसे और चलो इसे सर्व करते हैं अनिका को। कैसा है, यम्मी बना? ये खोलो ना एक बारी पल्ला। ठीक है बंद करना, बंद करना। सो आज हो गई है 2nd of April और अभी हमने बुलवा लिया है अर्बन कंपनी से डीप क्लीनिंग के लिए। आज हो रही है किचन की डीप क्लीनिंग, बहुत सारी सफाइयाँ और क्या क्या सब हो रहा है। ऑलरेडी वैसे काफ़ी क्लीन था लेकिन फिर भी एक डीप क्लीनिंग तो बनती है ना, किचन की कोने कोने की सफाई। तो ये हो रही है सफाई और बस आज किचन का बुक किया है, रूम का किसी और दिन करेंगे। इधर चल रही है सफाई और इधर चीकू सो गई हैं और मैं उनके साथ रूम में ही हूँ क्योंकि अभी बाहर जाना सही नहीं है। तो मैं बेबी के साथ में ही थी बाहर, सफल देख रहे थे, हमारी मेड भी थी जो देख रही थी कि क्या क्या सफाई हो रही है, गाइड भी कर रही थी। मैं जाऊंगी और देखूंगी क्या क्या हो रहा है। लंच का टाइम था तो हमने हमारा पूरा खाना पीना यहीं पे लाके रख लिया था रूम में और बस अब देखो यहाँ हो रही है पेंटिंग, मतलब पेंटिंग नहीं यहाँ पे हो रही है ड्राइंग, कलरिंग और भी बहुत सारा कुछ जो यहाँ पे अनिका कर रही है। बहुत ही प्यारी सी ड्राइंग बनाई है उसने और बहुत ही प्यारा सा ट्री बनाया है, स्काई बनाया है एंड छोटा सा पिग भी बनाया है एंड बटरफ्लाई बनाया और सो लवली यार। हाय एवरीवन, आज हो गई है 2nd April और ये जो इंसेक्ट बाइट का पूरा स्टार्ट हुआ था ये 28th of March से स्टार्ट हुआ था। रात को बाइट किया चीकू को इंसेक्ट ने और फिर नेक्स्ट डे फेस पे रिवील हुआ आइस के पास और पीछे धीरे धीरे करके पूरे फेस पे जहाँ अलग अलग जगह पर ये पैच रिवील हुए, बम्प रिवील हुए। देन इवनिंग में 29th of March को इवनिंग में हाथ पर एक अजीब सा वियर्ड सा पैच रिवील हुआ था जो कि मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था। बाकी सब तो ठीक है कि हाँ इसके पहले भी ऐसा बम्प आ चुका था तो ये डिफरेंट टाइप के मॉस्किटोज होते हैं जो बेबी को बाइट करते हैं और ऐसा बम्प आ जाता है क्योंकि बेबी की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है और इन सब चीज़ों के लिए वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है स्किन पे। सो वो तो मेरे लिए ठीक था कि चलो ठीक है आँख के पास काटा था तो वो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था। अब लेकिन ये जो हाथ पर यहाँ पर रिस्ट पे एक बड़ा पैच यहाँ साइड में था, इधर आया था और एक छोटा पैच इधर, मतलब 3 डिफरेंट पैच थे इसी जगह पर,
ये शाम को जब मैं शूट कर रही थी, एक्चुअली एक फर्स्ट क्राई का फोटो शूट था स्विमिंग कॉस्ट्यूम का, उसका शूट करना था मुझे, लास्ट डे था वो शूट। मैंने कर लिया कि चलो ठीक है, अभी चीकू अच्छा फील कर रही है, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम होगी, ये जो बाइट वाइट हुई है इधर उधर, थोड़ा सा ये स्वेल दिख रहा था यहाँ पर, तो मैंने बस किसी तरीके से फोटोज क्लिक करी। लेकिन उसके बाद तो जो बुरी हालत हुई, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया ही था, व्लॉग में दिखाया ही था, ये पैच बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, बड़ा होता गया और अजीब ही होता गया, और बाई इवनिंग और रात तक तो ब्लिस्टर्स ही आ गए काफ़ी बड़े वाले। देन एकदम रात को इधर वाला जो था यहाँ पर भी छाला आ गया, ब्लिस्टर आ गया, इस पर भी रिफ्लेक्ट हुआ, और कहीं उसके बाद हुआ नहीं, स्प्रेड नहीं हुआ। जो फेस पे था वो धीरे धीरे चला गया, यहाँ पर एक बड़ा पम्प था रेड कलर का, वो चला गया था, कान के अंदर यहाँ पर था, बाहर था, इस साइड में भी बाहर था, और यहाँ पीछे नेक पे था एक, तो यहाँ पर जॉ लाइन पे भी था एक। तो ये सब आया और ये सब चला गया नेक्स्ट डे ही, सिर्फ आँख का रह गया है अभी तक, छोटा सा है यहाँ पे रह गया है, और ये हाथ वाला तो पूरा ब्लिस्टर आया, फ्लूड था उसके अंदर पूरा भरा हुआ था, वो एक्सट्रैक्ट हुआ। देन अब एक की तो स्किन निकल गई, क्योंकि वो हाई चेयर में थी चीकू, और वहां पर उसने क्या किया कि वो स्किन ही निकल गई उसकी। ऐसे निकलती नहीं है स्किन, अपने आप ही ड्राई होकर के वहाँ चिपक जाती है, और फिर धीरे धीरे ड्राई होगा कि आप ऑइंटमेंट लगाओ तो वो स्लोली निकल जाती है। लास्ट में सिर्फ एक स्कार रह जाता है, ब्लैक कलर का स्पॉट रह जाता है, और कुछ नहीं होता है। मुझे भी बचपन में ऐसे कुछ इंसेक्ट ने बाइट किया था कई बार जब मैं मेरे गाँव जाती थी, तो मुझे उस चीज़ से थोड़ा सा मैंने रिलेट किया। स्टिल मेरे लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि क्या था। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास में गई, उन्होंने मुझे क्या क्या चीज़ें बताई कि एक इंसेक्ट बाइट ही है, मल्टीपल इंसेक्ट हो सकता है कि उसे बाइट किया हो, और ऑन द अदर साइड हो सकता है कि कोई एलर्जी भी है, अगर एलर्जी होगी तो बॉडी पे स्प्रेड होगी, फेस पे, नेक पे, हाथ पे, बॉडी के अदर पार्ट्स पे। लेकिन अगर एलर्जी नहीं है, इंसेक्ट बाइट है, तो डेफिनेटली ये 48 आवर्स में धीमा होकर के, लाइट होकर के, और फिर खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इन दोनों चीज़ के बीच में अगर बेबी को फीवर आ जाता है, वॉमिट होती है, बेबी खाना पीना नहीं खाता, कुछ भी ऐसा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा मोशन आता है, तो फिर एक ट्रबल की बात है कि ऐसा क्या था, किसने उसे बाइट किया है, फिर उसके हिसाब से हम उसे फर्दर ट्रीटमेंट देंगे। अभी कोई मेडिसिन नहीं देंगे, ऑइंटमेंट लगाने के लिए दे रहे हैं, जिससे कि बेबी को स्किन पे इचिंग या फिर बर्निंग सेंसेशन नहीं हो। अभी जो इंसेक्ट बाइट होता है, ये क्या होता है, कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो कि हमारे घर में आ जाते हैं, या फिर बाहर हम बेबी को लेके गए तो बेबी को बाइट कर लेते हैं और हार्मफुल हो सकते हैं बेबी के लिए। सो घर में पाए जाने वाले बहुत डिफरेंट इंसेक्ट होते हैं। पहला तो मॉस्किटो ही होता है, मॉस्किटो भी कई प्रजाति के होते हैं ना, बहुत स्पीसीज होती हैं मॉस्किटोज में भी, तो वो हम नहीं जज कर सकते कि कौन आया होगा, कितने बाइट किया होगा, मॉस्किटो इज लाइक मॉस्किटो। इसके बाद कॉकरोचेज हो सकते हैं, कुछ कॉकरोचेज अजीब होते हैं, है ना, और बारीक वाले कीड़े होते हैं जो कि लाइट से आते हैं, बारिश के टाइम पे कई सारे कीड़े आ जाते हैं बाहर से, पेड़ पौधे अगर घर में हुए तो आ जाते हैं, वो थोड़े हार्मफुल हो सकते हैं, बहुत ही बारीक बारीक से होते हैं वो, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, लेकिन वो स्किन को थोड़ा सा हर्ट करते हैं और वहां पर रेडनेस या फिर बम या फिर रैशेस आ जाता है। और इसके बाद जो एक और इंसेक्ट है जो कि घरों में भर भर के पाया जाता है, वो होता है स्पाइडर। घर में जाले होते हैं, स्पाइडर होते हैं, कोना है, कर्टन है, बेड है, या फिर घर का कोई भी हिस्सा, वहां पर आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये मकड़ी के जाले और स्पाइडर आपको भर भर के मिलेंगे। छोटे बड़े डिफरेंट कैटेगरी के स्पाइडर, आप कितना भी हटाओ जाले तो ये आपको मिलेंगे ही, बहुत कुछ मिलेंगे। और ये सारी चीजें न सिर्फ बेबी, इनफैक्ट अडल्ट, हम सभी के लिए हार्मफुल होती हैं, हम सभी को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती हैं। अब ये जो इंसेक्ट बाइट होते हैं, ये तो किया, सिम्टम्स भी हमें पता चल गए हैं कि बम्प आएगा, रेडनेस आएगी, रैशेज आ सकते हैं, हो सकता है ब्लिस्टर्स एकदम से आ जाए, बड़े या छोटे किसी भी तरीके के, उसमें इचिंग हो सकती है, उसमें बर्निंग हो सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है स्किन पर, और बेबी बहुत ज़्यादा क्रैंकी या फिर इरिटेट होगा, या फिर खाना पीना छोड़ देगा, उसे फीवर आ सकता है बहुत ज़्यादा मेजर हुआ तो, एंड ऑल्सो हो सकता है उसे वॉमिट हो जाए उस चीज़ की वजह से। डिपेंड करता है कौन सा इंसेक्ट काटा है। कुछ बड़े टाइप के इंसेक्ट भी होते हैं, अगर आप पार्क में गए हैं या फिर आप फॉरेस्ट विजिट में गए हैं कहीं पर, तो उड़ते हैं, ऐसे उड़ने वाले कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो बेबी को हर्ट कर सकते हैं, स्किन पे बाइट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं डिफरेंट कैटेगरी में, आयुर्वेदा में भी हैं, तो वो आप बेबी के स्किन पे अप्लाई करके, ऑयल वगैरह होते हैं वो अप्लाई करके ही आप बाहर निकले, पॉसिबल हो तो शाम को, या फिर ऐसी जगह जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी को हर्ट करेंगे, इंसेक्ट बाइट करेंगे, वहां पर आप जाना अवॉइड करिए, क्योंकि
बेबी हैं उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो ये हम भी फॉलो कर रहे थे कि ऐसी जगह जहां पर हमें ऐसा लगता था कि नहीं यार यहाँ पर मॉस्किटो आ सकते हैं, बेबी को काट सकते हैं, अगर कोई और इंसेक्ट फर्दर आकर के बेबी को काट लेगा. हमने ही हमारे साथ दूसरे घर में लेकर के आ गए मेहमान बना करके, तो हो सकता है कि वो कभी भी हमारे लिए रिस्की हो सकता है. हम जाना अवॉइड करते थे. आपने देखा ही होगा कि मैंने पार्क के बहुत रेयर वीडियो या फिर है ही नहीं, मैं सिर्फ नीचे जाती थी वॉक करके आती थी, और ऐसी जगह पर भी हमने जाना अवॉइड किया. और अगर इंसेक्ट बाइट कर लेता है कोई ऐसा जनरल नॉर्मल सा इंसेक्ट उसने बाइट किया तो बम्प आता है, अगर वहां पर पेन है रैशेज, इंस्टेंटली अगर आपके पास में एलोवेरा जेल है टर्मरिक है इसे दोनों को मिक्स करिए और उस जगह पे अप्लाई कर दीजिए. बिल्कुल जो जलन होती है पेन होता है एकदम शांत हो जाता है, बर्निंग खत्म हो जाती है और बहुत रिलैक्स भी फील होता है बेबी को. एलोवेरा जेल नहीं है टर्मरिक लगा दो थोड़ा सा मिल्क में मिला करके और फिर उसे ठंडा करके आप अप्लाई कर दो तो उसे भी आराम मिल जाता है. आइस पैक आइस घर में अवेलेबल है लगा दीजिए, नहीं अवेलेबल है थोड़ा सा पानी ठंडा करिए फटाक से और कपड़े को डिप करके वहां पर क्लीन कर दीजिए, उस एरिया को पूरा क्लीन कर दीजिए. स्किन को क्लीन कर देने से पहले जो थोड़ा सा पॉइजन होता है इंसेक्ट का वो वहां से हट जाता है, इमीडिएटली जो जलन होती है स्किन पे वो निकल जाती है. तो इंस्टेंटली ये सब चीजें आप तुरंत ही फौरन ही कर सकते हैं बेबी को रिलैक्स फील कराने के लिए. इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि रेडनेस बढ़ रही है या फिर कोई और सिम्टम आपको दिख रहा है तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, मिलिए जाकर के पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं. पहले आप थोड़ा आपको लग रहा है कि नहीं मेजर साइड में ही जा रहा है अलग ही दिख रहा है कुछ, डर्मेटोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर लीजिए, जो भी स्किन स्पेशलिस्ट आपके यहाँ पर अच्छे हैं उनसे आप बात जरूर करिए, या फिर कोई भी नियर बाय फिजिशियन अगर आपको मिल जाते हैं उनको जरूर जाकर के दिखाइए क्योंकि आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत होगी. अब अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि नहीं ये ट्रीट नहीं हो सकता है जल्दी, हो सकता है बेबी को ज्यादा तकलीफ है, तो आपको अकॉर्डिंगली जो बेबी की करंट कंडीशन है उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा और मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे. हो सकता है कि ओरल ड्रॉप्स वगैरह कुछ दें बेबी को खाने के लिए, वो भी हो सकता है, या फिर और कोई फर्दर केस हो गया तो अकॉर्डिंगली बेबी को असिस्ट किया जाता है, डॉक्टर देखते हैं और अपने सुपरविजन में रखते हैं. तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं. नाउ अब हमारे बेबी की क्या कंडीशन है. सो हम बहुत कंफ्यूज थे कि आखिर ये हुआ क्या, उसे क्या काटा, कौन सा कीड़ा काटा क्या. तो सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद मेरे हैप्पी मॉमी ब्लॉग्स फैमिली में से भी काफी सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, विशेस दी, सबको बहुत बहुत थैंक यू. और उनमें से कुछ लोगों ने मुझे जो बताया स्पाइडर के लिए कि ये मकड़ी का काटा भी हो सकता है, कि मकड़ी अपने साथ में एक अलग ही तरह का पॉइजन लेकर ट्रैवल करती है और अगर हम वो हमारे ऊपर से जा रही है और हमने एकदम से ऐसा स्मैश किया कुछ किया तो वो बाइट भी कर सकती है और जो उसका पॉइजन है उसकी वजह से हमारे स्किन पर इन्फेक्शन भी हो सकता है. कई चीजें हैं इसकी, बहुत बड़ी कैटेगरी है ना स्पाइडर के बाइट करने की. तो जो इसमें एक बेबी स्पाइडर होता है छोटा छोटा बारीक बारीक रेड कलर का स्पाइडर होता है, वो बहुत डेंजरस होता है, बहुत हार्मफुल होता है, वो दिखाई नहीं देता है. घर में कोने कोने में मिल जाएगा वो स्पाइडर, आपको दिखाई नहीं देगा. कुछ दिन पहले से मैंने घर में वो स्पाइडर देखा था, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला भी कि यार ये रेड कलर का स्पाइडर बड़ा अजीब है, ये आया कहाँ से क्या है. और 6 से 7 स्पाइडर मुझे और दिखे किचन के कॉर्नर में, देन उसके बाद पीछे वाले रूम में भी 1-2 दिखा मुझे. मैंने सफाई करवा दी, मैं क्लीनिंग हमेशा ही करवाती रहती हूँ, मेरे महीने में 2 से 3 बार तो हो ही जाती है क्लीनिंग. और मैंने बोला पेस्ट कंट्रोल करवा लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सही नहीं लग रहा है. फिर कुछ दिन नहीं दिखा तो हम भी ढीले पड़ गए कि यार अब नहीं है, जाने दो, हो सकता है कि एकदम से बारिश वारिश हुई थी तो बाहर से आ गया होगा. तो इसलिए हमने फिर फाइनली ये समझ में आ गया है कि ये डेफिनेटली स्पाइडर का ही बाइट किया हुआ है क्योंकि ये स्प्रेड नहीं हुआ, उस जगह पर ही रहा और अच्छे से रिफ्लेक्ट हुआ, समझ में आ गया, ब्लिस्टर्स भी आ गए और वो अभी वो ठीक भी हो गया, अभी ड्राई हो रही है स्किन उसकी. इसके अलावा बेबी को किसी भी तरह का पेन था या नहीं था, लेकिन बेबी एक्टिव थी, फीवर नहीं आया लेकिन कुछ तो उसे फील हो रहा होगा स्किन पे क्योंकि वो हमें टच नहीं करने दे रही थी जब हम उसे ऑइंटमेंट लगा रहे थे. डेफिनेटली यार सेंसेशन तो होता है स्किन पे, पेन होता है, इरिटेशन होती, कुछ तो होगा उसे.